आए गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाइज़ आज हम लोग एक और वीडियो धमाकादार वीडियो लेकर आ चुके हैं तो अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल एज यूजल जैसे हम टेपिंग करते हैं हम टेपिंग कर लेंगे दैन उसके बाद हमें जो उनसे रिक्वायर पेंट चाहे होंगे वो हम ले लेंगे इस बार मैं थोड़ा डार्क ब्लू ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना वो तूफ़ान वाला इफ़ेक्ट चाहिए समंदर बना रहे हैं हम लोग ओशन बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा ना ऐसे स्केरी स्केरी से थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ तो डार्क ब्लू ले, ले लेंगे उसमें ब्लैक में मिक्स करके डार्क ब्लू बना लेंगे फिर देना थोड़ा लाइट कर करके कर, कर, थोड़े शेडिंग दे, दे देंगे अब जैसे मुझे चाहिए वैसे मैंने शेडिंग दे रहा हूँ लाइट कर लेंगे थोड़ा सा और वाइट डाल के देन उसको अप्लाई करके फुल मैं अपनी फिंगर से भी ब्लैंड करूँगा ब्रश से भी ब्लैंड करूँगा ताकि फुल ब्लैंड हो जाए जैसे मेरे को चाहिए वैसे ताकि कर लें फ्लैट ब्रश से पूरा उसको ब्लेंड करेंगे फिर फिंगर से जितना रह जाएगा फिंगर से करेंगे क्योंकि उस फिंगर से भी काफ़ी अच्छा हो जाता है तो अब ये हमारा अब तक अब होने वाला है बस थोड़ा सा क्लाउड का इफेक्ट भी दे देना है तो वहाँ भी देंगे अभी थोड़ा वाइट भी कर देंगे जितना चाहिए उतना कर लेंगे प्रॉपर इफेक्ट देना है देन उसके बाद यहाँ पर जहाँ मैंने थोड़ा शेडिंग लाइट रखी है वहाँ पर हम लाइटनिंग भी अपनी ऐड करेंगे अभी थोड़ा क्लाउड का इफेक्ट देंगे ताकि थोड़ा लगे भी सही के कुछ आसमान है तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम और शेडिंग और हाइलाइटिंग देने के बाद फिंगर से टैप टैप करके सब कुछ कर देंगे दैन उसके बाद अब हम अब आ रहे हैं अपनी लाइटनिंग पे जो कि मेन जो है हमारा एक वो है मेन टारगेट इसी पेंटिंग का मेन जो वो है सब्जेक्ट वो यही है लाइटनिंग जो कि अच्छी लगे और मेरा फर्स्ट टाइम में ऐसे कोई लाइटनिंग टाइप की कोई पेंटिंग बनाने का बनाया इससे पहले आज इस तक मैंने ट्राई नहीं करी और अल्लाह करे कि अच्छा बना सही भी लग रहा है फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत बेहतर लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है अब आ जाते हैं नीचे हम लोग ओशन की तरफ अब ओशन में हम लोग आ चुके हैं तो टेपिंग पहले कर लेंगे ऊपर की तरफ दैन उसके बाद अब हमने ब्लू और थोड़ा सा और मतलब लाइट डेप्थ बना देनी है दैन उसके बाद पूरा वाइट वाइट कर वाइट करने के बाद फिर पूरा अप्लाई कर देंगे देन उसके बाद वेव्स हम बनाएंगे वाइट एक्रेलिक से वाइट से वेव्स बनाएंगे लाइन बनाएंगे थोड़ा सा और आगे ले आएंगे ओशन को दैन फिर वाइट एक्रेलिक से हमने अपने वो लाइन्स बना देनी पूरा वेव्स कर देने मतलब फुल वाइट से ना लाइन बना बना के ना फुल वेव्स वाला इफ़ेक्ट डाल देना है देन उसके बाद अपना अभी भी, भी वही कर रहे हैं गाइस देख सकते हैं आप अगर गाइज़ आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कामेंट बताना कि आपको कितना अच्छा दे रहा लग रहा है इसको टेन में से आप मार्क्स देना अपने अकाउंट में कि कितना आपको अच्छा लगा रहा है मतलब या, या क्या क्या, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है वही आप मुझे बता सकते हो जो आपको लगता है जो जो आर्टिस्ट है वो मुझे बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है अब आगे हम लोग सैंड की तरफ सैंड मैंने यही कलर लिया थोड़ा सा इसको डार्क भी कर देंगे थोड़ा सा शेड कर देंगे क्योंकि ज़्यादा लाइट हो गया देन उसके बाद अब फिर आगे की तरफ थोड़ी और वेवस ले आएँगे हम ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक लुक लगे यहाँ पर थोड़ी और वेव्स ले आएंगे हम लोग गाइज ईजी टू ईज़ी टू मेक ए है आप ज़्यादा इसमें कोई नहीं लगेगा बस आप ये इजी बन भी सकती है और बस तकरीबन हमारा बन चुका है गाइज आप टेपिंग उतारेंगे जो कि मेरे को बहुत अच्छा काम लगता है ये मतलब इतना सुकून होता है ना अब देख लें गाइस बन गई है आपको कैसी लगी कॉमेंट ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़